তাই বলেছে যে পরিকল্পিত চক্রান্ত একটা বড় গণহত্যা করে ওখানকার ডেমোক্রেসিকে তো পাল্টে দেওয়া হয়েছে। 20 বছর আগে ওখানে এইরকম জনসংখ্যার তারতম্য ছিল না, মুন্ডাতে ভরে গেছে ওই এলাকা। এবং ওখানে খাটের তলায় 18 কোটি টাকা উদ্ধার করে, বুঝতে পারছো তো জায়গাটা কি? এবং এটা শুধুমাত্র মমতা ব্যানার্জি ভোট ব্যাংকের জন্য করছে। ববি আকির 1 লক্ষের বেশি ভোটে জিতেছে গতবার বন্দরে, আর যেটুকু অপোজিশন 20-30 হাজার ভোট পেয়েছিল সেটাও শেষ করতে চাইছে। আমি অপেক্ষা করে আছি মোহাম্মদ সেলিমের একটা প্রেস কনফারেন্সের জন্য, আর বোন মীনাক্ষী ইনসাফ সভাটা কবে মমিনপুরে? তিনি বলেছেন ওই ভাড়েদের কথার উত্তর দেবো না। 2008 13ই মার্চ ভাড় শুনে রাখ, 2008 13ই মার্চ 14ই মার্চের গণহত্যার বর্ষপূর্তির আগের দিন তৃণমূলের মালিক মমতা ব্যানার্জি শুভেন্দু অধিকারী শিশির অধিকারীদের বাড়ি শান্তিকুঞ্জের চারতলার একটি ছোট ঘরে ছিলেন। পরের দিন সকালবেলা 14ই মার্চ 2008 গোকুলনগরের অধিকারী পল্লী, যেখানে গুলি চলেছিল, মাটি কলসে তুলে কলকাতাতে এসে মিছিল করেছিলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বাজার গরম করার জন্য। ওই ভাঁড় ভালো করে শুনে রাখুন। सिचुएशन बहुत खराब है। हम लोग का सीधा सीधा डिमांड है, हमारी स्टेट प्रेसिडेंट को विदाउट एनी रीजन अरेस्ट किया। अभी 6 बजने वाला है। दूसरा, एरिया में हार्ड कंट्रोल लागू कर दिया, कोई पत्रकार के मिक को घुसने नहीं दे रहा है। बहुत हिंदू लोग घर बार छोड़ के भागा, 100 से ज़्यादा दुकान लूटी गई, 30 बाइक मोटरसाइकिल को पूरा आग से बर्न कर दिया, 5 से 10 कमर्शियल टैक्सी को ख़त्म कर दिया पूरा, बहुत लोग इंजर्ड हुआ, 3 IPS भी इंजर्ड होकर CMRI में है। हम लोग का डिमांड था नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए CAPF डिप्लॉयमेंट कर दीजिए, जो लोग वापस गया उसको वापस लाइए। और ये तो CP खुद बताया, जॉइंट CP खुद बताया बहुत एक्सप्लोजन हुआ, इसलिए हमारी फोर्स का जो प्रिकॉशन लेकर हम लोग मूव किया। तो इतना एक्सप्लोजन हुआ, बम हल्ड हुआ, उसमें NIA तो फिट कैसे? 0/4 जो सेक्शन है वो तो NIA कैसे? ये तो एंटी नेशनल फोर्स का काम हुआ। लक्ष्मी पूजा के दिन हिंदू के ऊपर अत्याचार कौन करता है? ये हमारी देश का सपोर्टर नहीं है, पाकिस्तान का सपोर्टर। पुलिस के ऊपर क्या सवाल कर रहे हैं? पुलिस जिस तरह से सिटी से, पुलिस यहाँ का बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस का नाम सब लोग बदल दिया, इसको बोलता है ममता पुलिस। CAC में आप आए हैं? CAC में आया है, इसमें इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन कल जब लेट इवनिंग में हादसा हुआ है उसका पहले वहाँ इकबालपुर का OC CAC का जो लोकल मेंटेनेंस है उसको डायरेक्शन दिया जो लाइट अप करो, लाइट अप करो, लाइट अप करो, इसलिए कोई वीडियो ना हो जाए, कोई लाइव फेसबुक लाइव से ना डायरेक्ट किए, कोई पत्रकार, कोई चैनल, कोई मीडिया कोई स्टिंग ऑपरेशन ना कर दे, इसलिए पूरा के पूरा एरिया को ब्लैकआउट कर दिया गया। और CAC इलेक्ट्रिक को मेंटेनेंस करता है, CAC का आधिकारिक ने, बड़ा आधिकारिक ने हम लोग के साथ बात किया, उन्होंने बताया रीस्टार्ट पुलिस का बात पर हमने किया, लेकिन काट ऑफ किसका बात में किया ये लोग स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार भी नहीं, इनकार भी नहीं। बंगाल में इस तरह के वायलेंस में लॉ एंड ऑर्डर क्या कहना चाहेंगे? तुष्टिकरण के राजनीति, और पुलिस का पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया,
इसलिए पुलिस का सीआरपीसी आईपीसी के अंदर जो काम नहीं कर सकता है, स्कोप भी नहीं है, इसलिए ये हादसा हो रहा है। ये लोग कौन है आखिर की इस तरह की जो ये तो सीधा सीधा सबके पास वीडियो है ना, अरे ग्रीन झंडा उसमें वो कौन है सबको पता, जो सीए को लेकर पूरा बंगाल में बवाल मचा दिया था, जो नुपुर शर्मा इशू में इतना आगजनी किया, इतना घर बार लूटा, इतना बस पर ट्रेन पर आग लगाया, वही एक ही सेम आदमी है, थाना के अंदर घुस गया, आजादी आजादी क्या आजादी। इसको श्रीनगर में जैसे अमित शाह जी ने किया, यहाँ भी ऐसे करना चाहिए। 356 नहीं, सेंट्रल कोर्ट का डंडा। दादा अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? दादा कहाँ जा रहे हैं? सीएमआर जा रहा हूँ, हमारी उस एरिया का कुछ लोग।